करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हमारी सीता माता की वजह से राम जी अयोध्या से हमारे यहाँ दामाद बन के आए और हमारे यहाँ शादी की। तो राम जी को आप लोग दामाद, तो हम लोग राम जी को दामाद समझते हैं। राम जी की हम हमारी इज्जत करते हैं हम, और सीता को हम लोग पुत्री बहू बेटी इस रूप में। सर खास करके गुजरात के अंदर कितने लोग इस विस्तार में यहाँ पे? सर ये केवल गुजरात की बात नहीं है, नहीं, इंडिया के इंडिया के हर कोने कोने में हमारे ये मिथिला मैथिली भाषी हैं। मिथिला एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत धनी का आदमी नहीं है, लेकिन विद्वान विद्वता योग्यता से बहुत धनी है। हर राज्य में चले जाएं, भारत के किसी भी राज्य में चले जाएं, वहाँ आपको उच्च पदाधिकारी बिहार के ही मिलेंगे, और मैक्सिमम आपको वो मिथिला के मिलेंगे। सर खास करके गुजरात के अंदर आपके समाज का भी एक महत्व का योगदान रहा है, और सरकार में ज़्यादातर नियुक्त अधिकारी IAS आप ही के समाज से आते हैं, तो क्या इन्हीं लोगों को भी यहाँ इनवाइट किया, और किस तरह का ये आपके समाज को आपके उनकी सहायता प्राप्त हुई? अभी हमने उनको इस मैथिली भाषा भाषी के लिए उनको बुलाया, उनको सम्मान किया है, उनको सम्मानित करेंगे, उनको हम इज्जत करेंगे कि आप हमारे यहाँ हमारे घर के लाल हैं, पुत्र हैं, सपूत हैं, जिन्होंने गुजरात ऐसे राज्य में, एक जैन सिंह हैं जो आज 25 साल से यहाँ पे हैं, एक चीफ जनरल चीफ सेक्रेटरी हैं गुजरात के, मोहन झा हैं पुलिस महानिदेशक हैं, शिवानंद झा हैं पुलिस महानिदेशक हैं, ऐसे उच्च पदाधिकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ से बिहार के मिथिला क्षेत्र से आते हैं, और मिथिला क्षेत्र में सर खास करके मिथिला निवासी लोगों ने शिक्षण में एक योगदान दिया है, और अब इस तरह गुजरात के अंदर वाइब्रेंट गुजरात से लेकर गुजरात गोल्ड मॉडल बना था, किस तरह का यहाँ के आप लोगों का अब नवी मुख्य कुछ रजूआत सरकार से है या मांग कर रही है? नहीं, सरकार से कोई मांग नहीं है, हम सरकार से, हम लोगों की मांग किसी से नहीं होती है, हम अपनी, हमारी सभ्यता ही हमारी पहचान है, हमारा संस्कार ही हमारी पहचान है। बिहार के बहुत सारे एरिया है जहाँ पे आप अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग आदमी हैं, कहीं आप बिहार देखेंगे तो बहुत बदमाश भी है, कहीं देखेंगे, हमारी ये मैथिली भाषा ऐसी भाषा है जहाँ बहुत मिठास है, आपस में झगड़ा करता है तो पता भी नहीं चलेगा कि ये लोग झगड़ा कर रहे हैं, हमारी ये माधुरी जो मधुरता जो है हम उसकी पहचान है, और हम शिक्षा विद्वता ज्ञान इससे हम लोग हमेशा उसकी पूजा करते हैं। तो सर ये आज कार्यक्रम जो आज आपने शुरुआत की है, तो क्या है हर बार इसको आप चालू रखोगे, क्या रहेगा, और खास करके जो छठ पूजा के लिए? छठ पूजा सूर्य भगवान की पूजा है, और उसके लिए यहाँ पे गार्ड का भी गुजरात सरकार ने एक आपको योगदान दिया है, योगदान दिया है, अप्रूवल दिया है, लेकिन जितना बड़ा समाज हमारा अहमदाबाद में है उसके हिसाब से वो घाट बहुत छोटा है, ऐसे मुझे 3 और एरिया मिलेगा तो हम पूरे मिथिलावासी या बिहारवासी इस छठ को मना पाएंगे। तो सर इसके लिए आपने ये 3 ज्यादा एरिया के लिए आपने गुजरात सरकार में रजूआत, मैंने रजू की है, और चीफ सेक्रेटरी भी खुद वहाँ से आते हैं, चीफ सेक्रेटरी नहीं यहाँ तक इनको आगे लेकर के आया है, अभी मुझे 250 मीटर तक का अप्रूवल उन्होंने दिया है, डिजाइन उन्होंने अप्रूव किया है, बंद का गुजरात सरकार ने अरेंजमेंट किया है, हम धन्यवाद देते हैं गुजरात सरकार को, गुजराती को, गुजराती भाई लोगों को, जो हम लोग बाहर से आए हुए आदमी को एक अच्छी जगह दिया है, अच्छी संस्कार दिया है, हमारी संस्कार से वो संस्कारित हैं, हम उनकी संस्कार से। गुजरात और बिहार में बहुत सामंजस्य है, बिहार के मैथिल में हम लोग मैथिली में 6 बोलते हैं, आप लोग 6 बोलते हैं, गुजराती 6 बोलते हैं, हम 6 बोलते हैं, देवनागरी 1 ही है। खास करके प्रधानमंत्री जी ने छठ पूजा का कार्यक्रम वहाँ से चालू किया, तो प्रधानमंत्री के बारे में सर? सर हमारे प्रधानमंत्री बहुत उच्च कोट के, उनकी सराहनीय है, उन हमारी ही छठ की नहीं, हमारे उनके जो छवि है उस छवि में उन्होंने हर जाति हर वर्ण को, हर जाति हर वर्ण को सराहा, हर प्रथा को, हर जाति को संभाला, उन्होंने मुसलमान तक की प्रथा को संभाला, उन्होंने हिंदू प्रथा को भी संभाला, गौरक्षा को भी संभाला बॉर्डर पर खड़े, तो ये महान आत्मा है, ये आज देश के लिए हस्ती है, हम गुजरात वासियों के लिए आज हस्ती है, हम गुजरात वासी या हम लोग बहुत अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। आज जो प्रोग्राम हो रहा है सर, इसमें कितने मिथिलावासी यहाँ पर एकत्रित होंगे आज? लगभग 2500 मिथिलावासी आज
फिजिकली प्रेजेंट यहाँ पे होंगे जी, और मोर लगभग 10,000 से ज्यादा हमारे फेसबुक ट्विटर एंड लाइव यूट्यूब पे ऑनलाइन में ऑलरेडी वो लोग देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड। ये केवल गुजरात में नहीं हो रहा है, प्रोग्राम गुजरात में हो रहा है, दर्शक यूएसए देख रहे हैं, कनाडा देख रहे हैं, अमेरिका देख रहे हैं, जर्मनी देख रहे हैं, गुजरात को छोड़ के उत्तरांचल में चले जाएं, गुवाहाटी देख लें, दिल्ली देख लें, मुंबई देख लें, हर जगह के लोग इस प्रोग्राम को आनंद ले रहे हैं। तो ये थे मिथिला विभूति समिति के अध्यक्ष, जिन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमेशा अथक प्रयास हमारा बहन कल के खुशी नाम छो गाम के दादी माँ अम्मा कहलावे छो ओले कल के हगाय हगाय पिंका आई चल भी ना भोज में खाए माँ कल के ये भोज में नहीं जाए फिर भूल बिजो भले भोज खाए लग गलो कल के हे काकी है लोटा गिलास दो दो बे एकरा संगे हम कल हम लोटा गिलास लो के नहीं जाए माँ माँ कल के की जो ना पानी पीवे में दिक्कत नहीं है तो लो कर गल कल गल खुशी तू दू टा लोटा क्या ले ली गाय एगो माँ खेपे एगो माँ भर के आनबे गीतों में टैलेंट बहुत है जी, एन गीत गाए ले तो मैं चुगलियों भाग जाती हूँ सबको, है ना जी?